इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान से निकल कर आ रही है। जी हाँ, पाकिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान पे कब्जे का ऐलान हो चुका है और इस ऐलान के बाद पूरी की पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। जहाँ एक तरफ अमेरिका में हड़कंप मच गया है, तो वहीं पाकिस्तान के पड़ोसी देश अफगानिस्तान में भी हड़कंप मच गया है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे देश पर अगर कोई पूरी तरीके से कब्जा कर लेता है और कब्जे का ऐलान कर देता है, तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान नहीं बल्कि एक परमाणु संपन्न देश को हराया गया है। तो जानेंगे हम इस वीडियो में कि आखिर ये पूरा मामला हुआ कैसे और आखिर इसके पीछे क्या कारण है। बता दें आपको कि पाकिस्तान में जब से गरीबी ने पांव पसारना शुरू किया, पाकिस्तान की जब से खस्ता हालत हुई, तब से पाकिस्तान पर सब हाथ साफ करने की कोशिश करते रहे हैं। कभी सैन्य लड़ाकों के माध्यम से, कहीं परमाणु बम के माध्यम से, तो कहीं ऐसे ऐसे सैनिकों के माध्यम से उस पर हमले और कब्जे किए जा रहे हैं जिसकी कोई बात ही नहीं है। इन्हीं सब चीज़ों के बीच TPP के आतंकवादियों ने पाकिस्तान के कई इलाकों पर कब्जे का खुला ऐलान कर दिया है। यही नहीं, TPP के आतंकवादियों ने सड़क पर घूमते हुए बल्कि यह भी कह दिया है कि हमने पाकिस्तान की सरकार को उखाड़ फेंका है। नवाज शरीफ हो, चाहे इमरान खान हो, चाहे जो भी हो, हम सभी को उखाड़ फेंके हैं और अब हम अपनी खुद की सरकार बना रहे हैं। यही नहीं, TPP ने यह भी कहा है कि अब सभी जगहों पर सिर्फ और सिर्फ हमारे हथियार होंगे, हमारे सेनाएं होंगी और पूरे की पूरी बॉर्डर को वही रक्षा करेगी। हालांकि पाकिस्तान सरकार ने इस बात की पुष्टि की है कि अभी उनको किसी के द्वारा हड़पे जाने की कोई डर नहीं सता रही है, लेकिन बहुत ही जल्द TPP ने कहा है कि POK के इलाके पर भी वह पाकिस्तान को ओवरटेक कर लेंगे। और भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है, जिस पर इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी रहती है, उस पर बहुत जल्द TPP के लड़ाके मोर्चा संभालेंगे। यदि ऐसा होता है तो POK का भारत में मिलना बहुत ही ज़्यादा संभावना बढ़ जाएगा। हालांकि आपका क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।